नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। साथ टेंशन को देखते हुए केजरीवाल ने टाला अपना अनशन, बोले इस समय एक होने की जरूरत। नई दिल्ली, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 1 मार्च से होने वाले अनशन को स्थगित कर दिया है। केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, भारत और पाक के बीच उभरी संकट की स्थिति के मद्देनजर मैं अपने उपवास को स्थगित करता हूँ। आज हम लोग एक राष्ट्र के तौर पर खड़े हैं। इससे पहले भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि मैं भारतीय वायुसेना के पायलट्स की बहादुरी को सलाम करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमें गर्व का अनुभव कराया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। बीते शनिवार को दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा था, मैं 1 मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहूंगा। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। यह भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था, मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए 1 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूंगा। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें उनके लिए अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो वह भी कम है।